तो दोस्तों, आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं बैटरी के बारे में, कि जो हमारे पास टॉयज होते हैं, खिलौने होते हैं, उसे क्या होता है, कई बार हम यूज़ करना छोड़ देते हैं और आफ्टर लंबे टाइम के बाद हम अगर यूज़ करते हैं तो ना तो उसका बैटरी चार्ज होता है, ना तो कोई रिस्पॉन्स देता है। तो उस केस में क्या होता है, ज़्यादातर इसका जो बैटरी हो ख़राब हो जाता है, या नॉर्मली हम किसी बैटरी को लिपो लिथियम किसी भी बैटरी को हम नॉर्मली झटका मशीन से झटका देते हैं तो वो ठीक हो जाती है, लेकिन कई केसों में ये नहीं हो पाती क्योंकि ये ख़राब हो जाती है। और ये लैपटॉप की बैटरी का है, तो ये देख सकते हो आप, लैपटॉप की बैटरी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है जो सेल वाला बैटरी होता है, रिचार्जेबल सेल। और कई जो आरसी कार होते हैं उसमें दो प्रकार की आती है, एक तो ये लिथियम आती है और या दूसरा देखेंगे तो हम लिपो बैटरी आती है। तो लिपो बैटरी का जो ये कुछ इस तरह दिखती है, कुछ इस प्रकार दिखती है। इसमें भी सेल आते हैं, थ्री सेल, टू सेल। अब ये सेल क्या है, मतलब सेल मतलब ये सिंगल जो सेल होता है वही सेल होता है भाई। ये देखते हैं, ये वन सेल है। अगर ये हम इसे हम देखें तो ये आ जाएगा इसका, तो जैसे कि ये फोर सेल है और इसका वोल्ट है 5 वोल्ट। तो ये सिंगल सेल का जो वोल्ट होता है वो होता है 3.7 वोल्ट का, ये जो सिंगल सेल जो बैटरी। तो आप बोलोगे 14 वोल्ट क्यों नहीं हो, बट आप देख सकते हो 4XAA लिखा हुआ है वहाँ पर। तो हम डीपली इस बारे में बात नहीं करेंगे, हमें बैटरी बनानी सिर्फ कार की। तो चलता है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये टू सेल है, वोल्ट नहीं दिख रहा, 7.4 वोल्ट, ये देख सकते हो 7.4 वोल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये टू सेल का। तो वन सेल का होगा 3.7 वोल्ट। तो ज़्यादातर ये आरसी की जो हमारी बैटरी होती है कार की, वो होती है या तो 7.4 वोल्ट की आती है या फिर 11 वोल्ट आसपास होता है। तो मतलब वोल्ट किस तरह हम इसे बना सकते हैं, तो सिंपली मैं आपको, लैपटॉप की बैटरी भी यही तरह ठीक होती है, लैपटॉप की बैटरी में भी इसी तरह के सेल होते हैं, 1, 2, 3, 4 होते हैं, किसी में 6 होते हैं। ये देखिए 6 सेल वाला है ये लैपटॉप वाला बैटरी, और किसी में जो है 4 सेल वाला होता है। तो जो सेल ख़राब है उसे निकाल देना है और नया डाल लेने से ये कम्प्लीटली वर्क करता है, आराम से ये चलता है। तो फर्स्ट मैं आपको दिखा दूँ ये किस तरह वर्क करता है। देख सकते हो ये 3.7 का बैटरी है, तो हम 3.7 + 3.7 करेंगे ना तो 7.4 हो जाता है, 3.7 + 3.7 7.4। तो जो कि कार की बैटरी है, आप देख सकते हो कि ये कार की बैटरी है 7.4 की, तो हमें चाहिए 7.4, तो हमें ऐसी दो बैटरी चाहिए होगी। तो हम ऐसी दो बैटरी ले लेते हैं, फर्स्ट इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये दो बैटरी आ गई। अब हमें इसे बनाना किस प्रकार है, क्योंकि हमें चाहिए आउटपुट जो वोल्ट है हमें 7.4 चाहिए, और ये बैटरी है वो 3.7 की है। तो हमें इसे एक बैटरी को ऐसे उल्टा कर देना है, इस प्रकार कर देंगे हम एक दूसरी वाली बैटरी को उल्टा कर देंगे। तो मैंने उल्टा करके इसलिए समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपने ज़्यादातर जो बैटरी देखी होगी ना वो दिखा इस प्रकार देखी होगी, पैकिंग में इस तरह का की पैकिंग देखी होगी, जैसे कि ये देख ले, ये दो बैटरी है, 3 बैटरी है, 3.6 वोल्ट की है। अब दिखते हैं कोई दो बैटरी दिख जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये 3 सेल है, ये रही 2 सेल, और ये रही, ये आप देख सकते हो 7.4। तो ये किस तरह बनती है, तो इसके ये सीरीज में जुड़ी हुई होती है, मतलब कोई भी बैटरी अगर हो हमारे पास, जैसे कि ये बैटरी है, ये हमारी बैटरी है, ये जुड़ी होती है कुछ इस प्रकार से। जो फर्स्ट वाली बैटरी है उसका प्लस, और सेकंड वाली बैटरी है, दूसरा वाला बैटरी है उसका माइनस, वो लेंगे ना तो जो वोल्टेज निकलेगा वो निकलेगा 7.4। जैसे कि अगर हमें चाहिए यहाँ, अगर हमें यहाँ चाहिए 7.4 वोल्ट चाहिए हमें, तो हम 2 सेल लेंगे और एक सिरा यहाँ से लेंगे और दूसरा सिरा यहाँ से लेंगे, और ये जो बीच का भाग है उसे हमें
सोल्डिंग कर देना है, मतलब बीच का भाग। यहाँ जो वोल्ट निकलेंगे वो 7.4 निकलेंगे। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक बैटरी हमने ले ली जो कि 3.7 की थी, और ये दूसरी बैटरी, इसको हम ऐसे उल्टा कर देंगे। इस तरह वर्क करता है, यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, प्लस को मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए, ये प्लस और ये है माइनस। और ये जो आउटपुट जो वोल्ट निकलेगा उसका, वो निकलेगा आपको पता ही है 7.4 निकलेगा, 7.4 जो है इसका वोल्ट निकलेगा। और आपको यहाँ से इसे इस तरह जोड़ देना होता है इसको दोनों, तो इस तरह ये बैटरी बनती है। अब कई केसों में क्या होता है, कार में ज़्यादातर ये जो एक बैटरी है वो ख़राब हो जाती है, तो यहाँ जो वोल्ट निकलेगा ना वो सिंपली एक ही बैटरी का बताएगा। तो हमें एक बैटरी को यहाँ से हटाकर किसी दूसरी बैटरी से रिप्लेस कर देना होता है। तो चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जिसको मैंने बनाया था, वो बैटरी का वीडियो मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हो ये सब तोड़ फाड़ के, ये देख सकते हो मैंने इसको निकाला, तो कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको निकालोगे तो। अब इसको करना क्या है, तो सिंपली मैं आपको बता दूँ, इसमें कोई भी एक ही सेल ख़राब होता है, जैसे कि लैपटॉप की बैटरी हो या फिर मान लो कि कार की बैटरी हो, टॉयज की बैटरी, इसमें एक ही सेल ख़राब होता है, दोनों सेल ख़राब नहीं होते। हमें करना क्या है, मल्टीमीटर को 20 की रेंज पर रखता हूँ मैं। अब देखते हैं, ऑन कर दिया है, अब हम वोल्ट चेक करते हैं। तो ये मैं रेड के ऊपर रखता हूँ और ये ब्लैक पर 3.5 वोल्ट बता रहा है, 3.5 वोल्ट बता रहा है, लेकिन ये इससे ज़्यादा है। तो एक बैटरी थोड़ा बहुत वोल्ट कंज्यूम कर रही है जो कि ख़राब है। तो ये है वो यही है, मतलब जो यहाँ पर इसकी जो आईसी से फ़िल्टर लगा हुआ है, ये फ़िल्टर लगा हुआ है बेसिकली चार्जिंग के लिए, जब हम इसको चार्ज करते हैं तो ये इसका प्रोटेक्शन करता है और उसके बाद इसे चार्ज करता है। तो अब यहाँ देखोगे ना, देखिए सेम टू सेम वोल्ट बता रहा है इसका। अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ माइनस आया और यहाँ प्लस आया। अब इसका, इस बैटरी का माइनस ये है, तो मैं यहाँ पर प्लस रखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्लस रखा और यहाँ पर मैंने माइनस रखा, तो आप देख सकते हो 4 वोल्ट बता रहा है, मतलब ये सेल जो है इसका कम्प्लीटली वर्क कर रहा है 4 वोल्ट, ये देखिए 4 वोल्ट बता रहा है। अब इसका जैसे कि ये प्लस हुआ और ये इसका माइनस है, तो मैं यहाँ पर प्लस रखता हूँ और यहाँ पर माइनस रखता हूँ, तो आप देख सकते हो कुछ भी नहीं बता रहा, माइनस वोल्ट बता रहे हैं लेकिन कुछ बता नहीं रहा, आप देख सकते हो, मतलब ये वाला सेल जो है इसका ख़राब है। तो फर्स्ट मैं इसे डिस्कनेक्ट करूँगा और आपको दिखाऊँगा, और इसे हमें करने के डिस्कनेक्ट करके इसे रिप्लेस कर देना है। जैसे कि मेरे पास ये लैपटॉप की बैटरी पड़ी है, आप देख सकते हो ये लैपटॉप का बैटरी है, सैमसंग का जो ओरिजिनल बैटरी आता है वो है, तो मैं इससे रिप्लेस करूँगा। तो मैं बोल रहा हूँ ये इससे भी बेस्ट है, ये बढ़िया वाली, ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बैटरी बना के रखी हुई है, आपको दिखा दूँ, ये रहा तो बैटरी ऑलरेडी बना के रखी है, तो ये बहुत ही अच्छी बैटरी आती है सैमसंग की लैपटॉप की। तो मैं अब इसका इसमें लगाने वाला हूँ, तो फर्स्ट मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने इसको प्लेट को जो है रिमूव कर लिया है, इसके मैंने हटा दी इसे। और सिंपल फंडा है, आपको ये नहीं मालूम किस तरह लगाना है तो बहुत इजी है, मैं आपको ड्रॉ करके बता दूँगा। तो अब हम क्या करेंगे, मीटर तो वही डीसी रेंज रख देते हैं 20 पे। अब मैं चेक करूँगा इसका प्लस, ये वाला है तो ये प्लस पर रखूँगा और ये माइनस पर, ये देख सकते हो कोई रीडिंग नहीं, यानी ये वाला जो है वो ख़राब हो चुका है। अब इसको ट्राई करते हैं दूसरे वाले बैटरी को, तो ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस, ये देखिए 4 वोल्ट बता रहा है, मतलब ये वाला जो सेल है सही है, ये वाला है वो ख़राब है। तो लैपटॉप में इस तरह का सांचा आता है, ये देखिए लैपटॉप का है, जैसे खोलने के बाद कुछ इस तरह होगा, और इसमें इस तरह जो है इसका कनेक्शन लगा होता है, तो इसमें लैपटॉप में भी यही तरह होता है, मतलब इस तरह लाइन में लगी रहती है, तो देखिए 1 2 3 4 सेल लाइन में लगे रहते हैं। आपको 1 बाय 1 टेस्ट कर लेना है इसे, प्लस माइनस से मीटर से रख के, जिसमें वोल्टेज नहीं दिखा रहा
उस एक सेल को आपको रिमूव कर देना है और इसको बाजार से लेकर रिप्लेस करना है अच्छी। तो दोस्तों ये मैंने रिप्लेस कर दिया, अब वन बाय वन चेक करते हैं ये जो सही वाला सेल था 4 पॉइंट वाला ये, और जो मैंने रिप्लेस किया दूसरा जो सेल है उसे भी चेक करते हैं। तो इसमें भी अभी आप देख सकते हो वोल्टेज बता रहा है 3.7। अब हम दोनों को एक साथ चेक करते हैं तो ये कितना बनता है, ये देख लीजिए 7.7 आसपास बता रहा है, मतलब ये अब आरसी में जाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों आपने ये तो देख लिया 7.4 वोल्ट तो निकल गया, लेकिन अब आपको इसके चार्जर का जो कनेक्शन आता है वो कैसा आता है वो मैं आपको बता दूँ। ये इसका तीन वायर आपको देखने मिलते होंगे इसमें। तो फर्स्ट जो इसका है वो तो यही है हमारा, मैं चूज कर लेता हूँ, जैसे कि इसमें आपको एक रेड मिलेगा तो इसका जो रेड होता है वो रेड से ही जाता है। जो सेकंड आता है वो होता है इसका ब्लैक, तो जो ब्लैक है वो इसका यहाँ ब्लैक से जाता है। और थर्ड आप देख रहे हो वाइट, और कई केस में ये ब्लैक ही होता है और कई केस में ये अलग कलर से होता है, तो वो सिंपली यहाँ का होता है, कई केस में ब्लैक से होता है तो ये यहाँ से लेकर। अब ये होता है इसका चार्जिंग, पर अगर आप उसके पास चार्जिंग नहीं, चार्जिंग ख़राब हो चुका है, तो आप पास एक और भी एक जुगाड़ है, दूसरा एक जुगाड़ है वो है आप उसके USB जो हमारा मोबाइल का चार्जर आता है उससे भी आप बना सकते हो। तो अगर आपके पास चार्जर नहीं या चार्जर ख़राब हो गया तो ये आपको मिल जाएगा कहीं से भी। इसमें ये टाइप सी भी आता है और ये V3 सॉकेट आता है वो भी आता है, ये देख सकते हैं V3 और टाइप सी, जिसकी कीमत अमेजोन पर शायद 50 रुपये, ये 99 में आपको दो पीस मिल रहे हैं, मतलब ये 50 रुपये का एक आपको आएगा, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पर कहीं भी आपको मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली इसको ये सिंपली आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ से आप लगाओगे चार्जर तो यहाँ से आउटपुट निकलेगा, तो इसका जो माइनस है वो माइनस में लगा देना है और जो इसका प्लस है वो प्लस में लगा देना है, सिंपली कोई फंडा नहीं और भी और कुछ, सिंपली प्लस है इसका प्लस में लगा दो, माइनस माइनस में लगा दो, और यहाँ आपको बैटरी का चार्जिंग का इंडिकेटर शो होगा, ये आप देख सकते हो यहाँ पर आपको शो कर देगा चार्जिंग का इंडिकेटर। और आपको ऐसा दो लगाने होंगे, तो ऐसा एक प्लास्टिक का आप ऐसा एक बॉक्स बना सकते हो दोनों सेल को अंदर में डाल के, यहाँ पर ये दो प्लेट लगा सकते हो आप आराम से, मतलब ये जो प्लेट है इस प्रकार की प्लेट को आप इस तरह बॉक्स के ऊपर लगा सकते हो, और आपको अब से आप मोबाइल से चार्ज मोबाइल चार्जिंग से चार्ज कर सकते हो, वन बाय वन दोनों को आप दोनों सेल को चार्ज कर सकते हो। और जो ये आपको फिर इसका एक ही पोर्ट काम आएगा, ये जो पोर्ट है आपका 10 सेकंड वाला पोर्ट, उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं, ये जो पोर्ट है सेकंड वाला पोर्ट है जो इसका, उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये कार वाला पोर्ट रख सकते हो और दूसरे पोर्ट ये दो चार्जिंग कर सकते हो जिससे आपका मोबाइल चार्जिंग हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर कोई भी दिक्कत आती है या किसी भी चीज़ आपको ठीक से समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हो।